हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइज, आज रिएक्शन होने वाला है 10 हार्ट स्लैप्स इन पाकिस्तानी ड्रामास ARY डिजिटल हर पल जियो हम टीवी, मतलब सभी के ड्रामास के। मिस्टर नोमान अलीम यूट्यूब चैनल से वीडियो, तो इनको जाके जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड वीडियो देखना है तो इनके चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ है। तो देखते हैं यार, 10 हार्ट स्लैप्स काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो की, हाँ तो देखते हैं। हियर वी गो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाए जाने वाले ऐसे 10 सीन्स के बारे में जिनके अंदर आपको दिखाए गए थे करेक्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे थप्पड़ जो हमारे दिमागों में अभी तक फिट हो गए हैं। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहां पर आपको किसी करेक्टर को इतना एग्रेशन में दिखाया जाता है जो आप कभी भी नहीं भूल पाते। तो ये वो थप्पड़ है जो आपको दिखाए गए थे 10 ड्रामों के अंदर, यहाँ पर डिफरेंट सीन्स में, और हर थप्पड़ एक अपनी ही कहानी रखता है। मैं बताऊंगा आपको साथ साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी के भैया क्या हुआ था एक्चुअली सीन में। तो बहुत ही ज्यादा आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग नए आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @malim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टाइल अच्छा तो नंबर 10th में जो ड्रामा आता है उसका नाम है कहीं दीप जले। यहाँ पर शमीला को पढ़ने वाले थप्पड़ बहुत ही यादगार थे और सबसे बढ़ के हमें काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फील होते थे। हम चाहते थे कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्लैप लगे। वैसे तो इसको रीदा की माँ से थप्पड़ पड़ा थप्पड़ इसको अपने भाई से, लेकिन जिस थप्पड़ का हमें सबसे ज्यादा मजा आया था वो हातिम का थप्पड़ था। जरा गौर से देखिए। तुम्हारी थी, मुझे मेरी बहन से तू पता चला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 9 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जिसका सीन था बहुत ही सुपर्ब, और मैं समझता हूँ कि इतना करारा थप्पड़, इतनी जोर से थप्पड़ मैंने आज तक किसी दूसरे ड्रामे के अंदर किसी करेक्टर को पढ़ते हुए नहीं देखा। आपको याद होगा दो बोल का वो सीन जहाँ पर गेती आरा के बाप को पता चल जाता है कि ये कहीं भागने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरह से फिर उसको थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया ना यार, लिटरली इतनी जान आपको किसी थप्पड़ में नजर नहीं आएगी। सच भी नहीं है चाचू, जो आप समझ रहे वैसे सोचा था वैसे ही निकली। सही है, शर्म पे आ यार। मतलब ये एक ऐसा थप्पड़ था कि जिसको पढ़ने के बाद करेक्टर पूरा का पूरा घूम जाता है, यहाँ पर चला जाता है किसी दूसरी दुनिया में। तो बहुत ही कमाल का ये सुपर्ब सीन था, इतने जोर से थप्पड़ मारने की भैया जरूरत क्या थी, जरा जल्दी से बता दें कमेंट सेक्शन में। नंबर 8 पे वो करेक्टर आता है जिसने पूरे ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा तमाशे किए। यहाँ पर आपको याद होगा इश्किया के अंदर हमजा को बहुत ही ज्यादा जलील करते हुए दिखाया गया था हमना को, और उसके बाद जिस तरह से उसकी बहन से भी जब ये शादी कर लेता है तो रुमैसा की तरफ से जो थप्पड़ पड़ता है हमजा को वो बहुत ही सुपर्ब था। यहाँ पर इस थप्पड़ के अंदर थप्पड़ कम और इमोशंस बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से काफी सेटिस्फैक्टरी सीन था। नंबर 7 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जहाँ पर इस बात को प्रूफ किया गया था कि एक अमीर इंसान दुनिया की हर चीज को नहीं खरीद सकता, खासतौर पर किसी की रिस्पेक्ट को। नगीन को जिस तरह से थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था सुल्तान दुरानी को, दैट वाज सुपर। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स देखे और मजे की बात यह है कि नगीन के थप्पड़ से स्टार्ट होने वाली कहानी नगीन की गोली पर जाके खत्म होती है, जहां पर सुल्तान दुरानी को एंड पे देनी पड़ती है अपनी जान। तो भैया बहुत ही कमाल की सुपर्ब स्टोरी थी, जरूर देखिएगा यह ड्रामा। और इस ड्रामे के जो थप्पड़ वाला सीन था आप कह सकते हैं कि एक ब्रेक थ्रू था। अब नंबर 6 के ऊपर एक ऐसा थप्पड़ आता है जिस थप्पड़ की तो वैसे को फिजिकली इतनी जान नहीं थी, यहां पर कोई बहुत ही करारा थप्पड़ नहीं था, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज पूरे पाकिस्तान तक पहुंची, हर शख्स को इसने मुतमईन किया, और सब लोग ये चाहते थे कि कोई ऐसा सीन हमें देखने को मिले जहां पर पड़े किसको थप्पड़, महविश को। की तरफ से जो कि शहवाज की पहली बेगम थी, क्या ही कमाल का ये सीन था, जरा गौर से देखिए। एड थप्पड़ पड़ते हैं बट ये जो सिचुएशन थी वो पड़ा धीरे से, लेकिन जो सिचुएशन पे वो थप्पड़ पड़ा है ना, वो मतलब ऐसा था कि वो थप्पड़ नहीं है, वो किसी ने हथौड़ा मार दिया उसके ऊपर। वो हथौड़े से कम नहीं था वो थप्पड़। एड आ गया था, चलो स्किप करते हैं स्टार्ट। अब नंबर 5 पे मैं आपको एक ऐसा थप्पड़ दिखाने लगा हूं जहां पर मैटर नहीं करता कि इसकी गूंज कहां तक गई, ना ही ये मैटर करता कि थप्पड़ कितनी जोर से लगा था, लेकिन कितना गहरा
थप्पड़ लगा था। ये ड्रामा जिन लोगों ने देखा वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस ड्रामे का नाम था अलिफ। यहाँ पर जिस तरह से मोमिना को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था कल्बे मोमिन को, और उसके बाद जो ये कहती है कि हर किसी को हुस्ने जहाँ समझ रखा है, भैया इसके अंदर एक बहुत ही गहरी बात है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि कल्बे मोमिन की वो थी माँ और ऑब्वियसली उसका अफेयर था। किसी को हुस्ने जहां समझ रखा है। तो भैया नंबर फोर पे एक ऐसा थप्पड़ आता है जिस थप्पड़ का बहुत ही देर से इंतजार था। यहाँ पर इस करेक्टर को तो मतलब इतने थप्पड़ पड़ने चाहिए थे कि हर एपिसोड में अगर कोई 3-4 थप्पड़ लगते तो भी शायद आप लोगों की तसल्ली ना होती। लेकिन एक ऐसा थप्पड़ इसको ज़रूर पड़ा था जिसने हमें दिली तसल्ली दी, और वो एक किस्म का कह लो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा थप्पड़ था। बहुत ही कमाल का वो सीन था जहाँ पर झूठी ड्रामे के अंदर आपको थप्पड़ पड़ते हुए दिखाया जाता है। निर्मा को पड़ने वाला थप्पड़ उसके भाई की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। यहाँ पर मतलब पहले तो वो बड़े आराम से कहता है कि इसके ऊपर तुम साइन कर दो, और आगे से जैसी वो जली कटी सुनाती है तो बहुत ही ज़्यादा ना खून खुर रहा था। ये बहुत जोरदार लगता था, और ऑडियंस का भी दिल कर रहा था कि यहाँ पर ना ये टका के लगाए, और एकदम से वो लगा भी देता है। जिस तरह से उसको जितने जोर से थप्पड़ मारते हुए दिखाया जाता है ना, ऑडियंस की वो रिक्वायरमेंट थी, और मैंने पर्सनली सीन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो हम बात करते हैं एक ऐसे थप्पड़ की जिसके अंदर आपको दिखाई गई थी चार दोस्तों की बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग। इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी, SSG जिसको ये लोग कहते थे, कोई भी नहीं सोच सकता था कि इनकी सेपरेशन एक थप्पड़ पे जाके होगी। और वो थप्पड़ भी था बहुत ही करारा जो कि लगा था शाहज़ेन को साथ की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सीन था, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस तरह से जब लड़के आपस में लड़ते हैं तो क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, क्या उनके एक्सप्रेशंस। थप्पड़ ये ऐसा था जो लगा था शाहज़ेन को, जो शायद हम कभी ना भूल सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर सेकंड पे वो कौन सा थप्पड़ आता है। एक ऐसा थप्पड़ आप कह लो कि भैया यहाँ पर आपने एक थप्पड़ पड़ते हुए तो बहुत दफा सुना होगा, देखा होगा। यहाँ पर करेक्टर को कभी जोर से या कोई गहरा थप्पड़ लग रहा है वो सारी कंडीशन बता दी, लेकिन एक ऐसा करेक्टर है जिसको एक टाइम पे एक थप्पड़ नहीं बल्कि दो दो थप्पड़ों की जरूरत होती है, और वो दोनों थप्पड़ लगे जरा थोड़ा सा टका गए तो भी शायद आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। यहाँ पर बहुत ही कमाल का सुपर्ब ड्रामा चल रहा है जलन, जिसका नाम है निशा की तरफ से लगने वाला थप्पड़। निशा को एक नहीं बल्कि दो दो लगाती है टका के, और उसके बाद घर से बाहर भी निकाल देती है। शर्म नहीं आती लेकिन ये लड़की जिस लेवल की ढीठ बनी हुई है इस ड्रामे के अंदर, दिल करता है कि हर एपिसोड के अंदर इसको कम से कम दो थप्पड़ जरूर लगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। प्यार से ये ले। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे वो कौन सा सीन आता है। एक ऐसा सीन जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये कैरेक्टर भी थप्पड़ मार सकता है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको 10-15 एपिसोड्स के अंदर बहुत ही शरीफ दिखाया गया हो, और इतना शरीफ कि बिल्कुल भी आप अज्यूम नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा भी आगे जाके हो सकता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया था शहवार को लगने थप्पड़ जो कि दानिश ने मारा था, और जिस तरह से जिस सीन में मारा था मतलब दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब हमने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि दानिश आगे जाके कुछ ऐसा भी कर सकता है। इस करेक्टर ने ना सिर्फ इसको थप्पड़ मारा बल्कि अच्छी खासी इसकी धुलाई भी की। मतलब यहां पर आपको ने एग्जैक्टली वही एग्जांपल दिखाई गई थी कि शरीफ जब अपनी शराफत छोड़ता है तो मतलब वो क्या कुछ कर सकता है। बहुत ही एक सुपर्ब सीन था, काफी अनएक्सपेक्टेड सा ये था थप्पड़। मैंने इस थप्पड़ को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज तक जितने भी ड्रामे देखे हैं लेकिन इस थप्पड़ को बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। तो भैया ये थे मेरे अकॉर्डिंग वो 10 सीन्स जहां पर दिखाए गए थे आपको स्लैप्स जो बिल्कुल भी नहीं भुलाए जा सकते। लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो कौन से हो सकते हैं सीन्स, जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, मैं सबसे ज्यादा शौक इस बात से हुआ मालूम है ये वीडियो देख के, किस बात से, कि इसमें से जितने भी इन्होंने थप्पड़ बताए ना वो सारे ड्रामे मैंने देखे। अच्छा मैं मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतने साल इतने ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामास देख रहा हूँ यार, इन्होंने मुझे लगा था कि बहुत सारे ऐसे भी दिखाएंगे जो हमने नहीं देखे। जैसे मैंने झूठी नहीं देखा तो झूठी तूने देखा, हम दोनों ने कहीं ना कहीं देखे हैं।
मैंने झूठी देखा है, मैंने जलन वाला देखा है, मैंने वो मेरे पास तुम वाले दोनों थप्पड़ देखे हैं, और मेरे पास तुम और झूठी वाला जो थप्पड़ है वो तूने नहीं देखा, लेकिन उस थप्पड़ के पीछे जो इमोशंस थे ना वो तो समझ नहीं सकता, इतना भरा हुआ था इंसान के अंदर, मतलब मुझे फील हो रहा था कि इंसान के अंदर इतना भरा हुआ है, इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और ठाक लगा के दिया, मतलब वही सेटिस्फाइड हो गया मैं तो, कि बस अब कुछ नहीं चाहिए इसे, इस ड्रामे से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसको ये थप्पड़ बहुत जरूरी था और वो थप्पड़ उसको पड़ा। और मेरे पास तुम हो वाले की थप्पड़ बहुत ही तगड़े थे, स्पेशली जब दानिश शावार के ऑफिस जाके उसको मारता है ना, वो भी बहुत तगड़ा था, और महविश को जब उसकी वाइफ मारती है, वो जब वो थप्पड़ मारती है और जब वो बोलती है ना इसका नाम बताती है, तो मतलब बिल्कुल एक साइलेंस छा जाता है, अपना दिल रुक जाता है, यार ये तो मजेदार सीन हो गया। और जिस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब करा ना वो सीन को, कि वो थप्पड़ तो लड़की के हाथ पे तो चलो धीरे लगी होगी, लेकिन उसकी आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजी थी, और तगड़ा। और वहीं पे दानिश वाला जो सीन था, उसके बाद जो उसने उसको कैमरे में बिठाया और सबको बोला कि बाहर जाके बोलना मत, वो सीन तो बहुत भीगी बिल्ली बन गया, भीगी बिल्ली बना दिया था उसको, और वो कुछ कर भी नहीं सकता था वहां पर, उसको किसी लायक नहीं छोड़ा था शावर, तो वो भी बहुत बेहतरीन। मेरे पास तुम हो ड्रामा में तो हर एक सीन ऐसा होता था तो जो कि बहुत ही कमाल का, हर एपिसोड में एक सीन ऐसा होता था वो तो मेरे जो याद रखने लायक, एवरग्रीन एक कह सकते हैं एवरग्रीन ड्रामा है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है और सदियों तक नहीं भुला जा सकता ऐसा ड्रामा, लोग आज भी रिपीट मोड पे उस ड्रामे को देख रहे हैं, अभी मैंने भी कल एक एपिसोड देखा है ऐसा रिपीट में जो मैं देख चुका हूँ एक्चुअली, तो वो ड्रामा तो सच में याद रहने। बाकी एक अहदे वफा वाला सीन जो था वो मैंने नहीं देखा, वो ड्रामा मैंने नहीं देखा सच बोलूँ, वो एक ड्रामा था और एक झूठी था जो वो मैंने नहीं देखा, बट यस झूठी ये देखता था तो काफ़ी कुछ मुझे बताता रहता था उसके बारे में, तो मुझे काफ़ी कुछ पता है उसके बारे में, बट अहदे वफा इतना नहीं देखा, एक दो एपिसोड देखे थे स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं देखा। बट वो जलन वाला थप्पड़ भी नहीं भूल सकते हैं, जलन में जब उसकी बहन ने उसको एक नहीं दो टिकाए, वो तो बहुत ही बेहतरीन, और वो तो मतलब इस तरह से टिकाए कि वो अगर उसका बस ना चलता तो उसकी जान भी ले सकती थी इस तरह से, इतने गुस्से में मारा, और वो बिल्कुल चाहिए थे उसको थप्पड़, लेकिन वो भी बहुत बड़ी अड़ी थी, थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं सुधरी, शादी भी कर ली उसके हस्बैंड से उसने, और बहुत बहुत कांदे में कर रही है, अभी तो शो चल ही रहा है, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते रहेंगे, देखते हैं फिर आगे क्या होता है, देखते हैं। स्टार्टिंग वाला कहीं दीप जले में वो ये सीन था कि जो उसका हस्बैंड उसको मारता है ना, तो उसकी बहन का घर बर्बाद कर चुकी होती है, इस वजह से उसको मारता है। अच्छा, सब ड्रामास में बहन का घर बर्बाद करने वाले सीन भी चलते होते हैं, बट वो उसकी भाभी उसका घर बर्बाद करती है। अच्छा, वो उसकी भाभी की भाभी रहती है, तो वो लड़के को एंड में रियलाइज होता है ये बात कि मेरी वाइफ ने मेरी बहन का घर बर्बाद, इसलिए वो मारता है उसको, तो बहुत मज़ा आता है यार इस तरह के सीन्स, पाकिस्तानी ड्रामास में इस तरह के सीन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो घर की कहानी चल रही है, बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, अच्छे लगे तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में मिस्टर नुमान अलीम को भी करो जाके सब्सक्राइब, यार काफ़ी कमाल का वीडियो इन्होंने बनाया है, जिस तरह से इन्होंने एक एक स्लैब को कवर किया, कमाल का, और सच में बहुत बेहतरीन स्लैब्स थे ये जो हमने देखे। सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि सारे हमारे देखे हुए थे, हाँ, और लगभग इन सबकी स्टोरी सिमिलर थी, किसी अंदर का जो एग्रेशन होता है ना जो वो निकाला गया, बिल्कुल निकाला गया है, वो सेटिस्फेक्शन वाले स्लैब्स ही उन्होंने सिलेक्ट किया, उनकी जरूरत थी ही थी बल्कि वो, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मारे गए, ऐसा नहीं कि बस गुस्से में मार दिया, नहीं वो बहुत ज्यादा हो चुका था, ओवर हो चुका था, उसके बाद ही पड़े हैं सारे थप्पड़। सो गाइज, बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।